अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम लोग एफएससी पार्ट वन मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 35 करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है इज -85। आपने ये बताना है कि एपी गिवन एपी के अंदर कौन सी टर्म ऐसी है जो -85 होगी। गिवन एपी इज 5 2 -1 -85। जो -85 हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कितनी टर्म है एंड फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला हमारे पास होता है जी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू t। an की क्या वैल्यू है? -85। a की वैल्यू है 5 एंड फाइंड करना है, और d हमारे पास -3 है। ये वैल्यू से क्लियर हुई है जी। अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें -3 एंड -1 प्लस 3। -85 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 कितना आ गया 8 -3 एंड इस 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए जो आ गया जो -93। n की वैल्यू होगी -93/-3 और n की वैल्यू आ गई 31। आप लोगों का आंसर है जी। स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 करना है जी। हाउ मेनी टर्म्स आर इन विच a1 की वैल्यू 11 है, a1 11 है हमारे पास, an 68 है और d की वैल्यू 3 है। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है जी। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी? an equals to a plus n minus 1 into d। an हमारे पास 68 है, a 11 है, n find करना है और d 3 है। ये आगे आप खुद कर देना, ठीक है? n आप लोगों ने इसमें find करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। If the nth term of an AP is 3n-1, find the AP। Given हमारे पास है कि जो लास्ट टर्म है ना वो 3n-1 है, आप लोगों ने ये भी बताना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप पुट करें n की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन। n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 1 2। n की वैल्यू 2 लगाए यहाँ पे 6 - 1 5। n की वैल्यू 3 लगाए 9 - 1 8। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स हम लोगों ने निकाल ली हैं इसकी। सो द रिक्वायर्ड एपी इज 2, 5, 8 एंड सो ऑन। आपने इसको कंटिन्यू कर देना। अगर आपके पास ये लास्ट टर्म हो तो ये सीक्वेंस उसका बनेगा, चाहे आप स्टूडेंट पे लिख भी दें 3n-1, इसकी कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स को ऐसा मिला हुआ देखें। If L, M, N are the P's, Q's and R's term of an AP, show data के दो parts हैं। Question number 11. Given that P, Q और R's term दी है। ये Q तो छोटा लिखना है, subscript है। P's term L है, Q's term M है, R's term N है। शो करना आगे वाली दो पार्ट्स ही हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला पार्ट है वो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसमें देखें जी n की जगह पे हमारे पास p है, पुट कर लें n इक्वल्स टू p। a b इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 इनटू d। डी से मल्टीप्लाई कर लें। ए बी की क्या वैल्यू है? एल
एपी यहाँ पे अलग आ लिया, मल्टीप्लाई कर लें पी डी माइनस डी, ये क्वेश्चन में वन आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, एन के जगह पे क्यू लगाना है। आप लोग देखें कि ये जो सब्सक्रिप्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ है, ये क्यू है, ये आर है, ये हमने मान लगा लगा पुट कर ले एन इज इक्वल टू क्यू, एन की वजह क्यू लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए क्यू a r equals to a plus r minus 1 into d, ए आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन जी स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे जी, जो आपका प्रूफ है वो अपने सामने रखें, जो आपने प्रूफ करना है। मैं फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूं, क्यू माइनस आर जी पहले पार्ट के अंदर, लेकिन क्यू वाली इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर टू, क्यू माइनस आर, आर वाली इक्वेशन नंबर थ्री है, सब्सट्रैक्ट कर लें इसको सेकंड और थर्ड को, m इज इक्वल टू a प्लस q d माइनस d, n इज इक्वल टू a प्लस r d माइनस d, ये कैंसिल हो गया, ये m माइनस n इज इक्वल टू q d माइनस r d, ये भी कैंसिल हो गया, m माइनस n इज इक्वल टू d कॉमन आ गया q माइनस r, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फर्स्ट। थर्ड हमारे पास है इज इक्वल टू a प्लस rd माइनस d, और फर्स्ट हमारे पास है l इज इक्वल टू a प्लस pd माइनस d। साइन चेंज कर लें इन सबके, ये आ गया n माइनस l, ये कैंसिल हो गया, rd माइनस pd ये d कैंसिल हो गया, n माइनस l इसमें से d कॉमन आ गया r माइनस p, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अब आप लोग क्या करोगे जी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिवाइड कर लो, डिवाइड 4 बाय 5, m माइनस n इज इक्वल टू d q माइनस r डिवाइड बाय n माइनस l d r माइनस p, जब उसमें कैंसिल हो गए तो आस मल्टीप्लाई कर लें m माइनस n इनटू r माइनस p q माइनस r n माइनस l। आगे स्टूडेंट्स हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले ये सेम स्टेप में जो लिखा लगा m माइनस n r माइनस p इक्वल्स टू q माइनस r n माइनस r। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया जी m r माइनस m p माइनस n r प्लस n p q n माइनस q l माइनस r n प्लस r l। अब इन सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, m r माइनस m p माइनस n r प्लस n p माइनस q n प्लस q l प्लस आर एन माइनस आर एन इक्वल टू 0। यहाँ से आगे स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने पार्ट वाइज इसको अरेंज करना है। जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि एल एम और एन कॉमन है, तो हमने एल एम एन के लिहाज से अरेंज करना है। सबसे पहले देखें एल वाले ये दो टर्म्स हैं, इनको अरेंज कर लें क्यू एल माइनस आर एल, उसके बाद एम के अकॉर्डिंग देखें एम वाले ये दो टर्म्स हैं एम आर माइनस एम पी, उसके बाद आप देखें ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, वैल्यूज कैंसिल हो गई, उसके बाद हम लोगों के पास ही बचा जी एन वाला एन पी माइनस क्यू एन इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से एल कॉमन निकालते हैं तो क्यू माइनस आर, इन दोनों में से एम कॉमन निकालते हैं तो आर माइनस पी, इन दोनों में से अगर हम लोग एन कॉमन निकालते हैं तो पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0।
ये हमारा पहले पार्ट का आंसर बन जाता है। अब अगर हम लोगों ने सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए ये दो स्टेप्स आप लोग छोड़ दें, ये सिर्फ ओनली फॉर पार्ट वन, ये सिर्फ पार्ट वन के लिए आप लिखने हैं। अगर आपने पार्ट टू को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ से आगे अरेंज करेंगे, लेकिन अरेंजमेंट फिर कैसे होगी, क्योंकि पार्ट टू में देखें आपके पास पी क्यू और आर कॉमन है, तो आपने पी क्यू और आर के लिहाजों को अरेंज करना है। देखें पी क्यू आर के लिहाज अगर हम अरेंज करते हैं तो ये वाली टर्म पी की है, दूसरी टर्म ये पी की है, ये वाली, तो एक वाली एक मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, दूसरी मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, तो माइनस पी एम प्लस एन पी पी, उसके बाद क्यू वाली वैल्यू देखे थी, क्यू वाली वैल्यू कौन सी है, एक ये वैल्यू है क्यू वाली और एक ये वाली है, माइनस क्यू एन प्लस क्यू एल, उसके बाद आर वाली वैल्यू देखनी है, ये है एम आर, और दूसरी हमारे पास एम वाली वैल्यू दूसरी है जी माइनस पी क्यू आर। जिस वर्ड तो हम लोगों ने इसको अरेंज किया है, अरेंज करने के बाद हम लोगों ने माइनस कॉमन निकाला है, क्योंकि हम लोगों का जो प्रूफ था उसमें पी क्यू आर जो सेकंड पार्ट है उसके लिहाज से हमने इसको अरेंज किया है। देखें पी, अब इसमें ये क्यू है और इसमें ये आर है, पी कॉमन निकालें इसमें से तो ये आएगा एम माइनस एन, इन्होंने में से अगर हम क्यू कॉमन निकालते हैं तो एन माइनस एल, इसमें से अगर हम लोग आर कॉमन निकालते हैं तो एल माइनस एन इक्वल टू जीरो, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। तो बच्चों एक बात आपने अपने दिल में नोट रखनी है कि अगर आप लोगों ने एग्जाम में दोनों पार्ट तो नहीं आएंगे, एक पार्ट ही आएगा, अगर पार्ट वन आता है तो जस्ट आपने यहाँ तक करने, अगर पार्ट टू आता है तो ये दो स्टेप आपने स्किप करने हैं, इसके बाद जस्ट आपने ये थ्री लाइंस लिखनी है तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था, आप लोगों ने अपने होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 6.2 के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन चलेंगे जी हमारे 11 तक, 1 से 11 तक क्वेश्चन कम्प्लीट करते हैं। Okay, so much love you.